लास्ट दो एनएफसी वार आए, एक मुशरफ के दौर में और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, और उसकी कंटिन्यूशन जो है, क्या आपके पास इतना पैसा नहीं आया था कि आप जाफराबाद, जिसकी आबादी इकाई 2500 10,000 5 लाख आबादी है, उसमें अच्छे स्कूल बना के दे सकते? क्या आपके पास इतना पैसा नहीं आया था कि आप कलाक, जिसकी आबादी 4,12,000 है, वहाँ पर स्कूल दे सकते? क्या आपके पास इतना पैसा नहीं आया था कि आप किला अब्दुल्ला में, जिसकी आबादी 3,42,000 है, वहाँ पर स्कूल दे सकते? मुझे तो आपकी नीयत नहीं लगती। मैं आपकी नीयत लगती नहीं है। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारा जो सरदार फ्यूडल और इस्लामाबाद, इनकी जो यूनिटी है, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान। मैं आपकी नीयत लगती नहीं है। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारा जो सरदार फ्यूडल और इस्लामाबाद, इनकी जो यूनिटी है, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान। तो कौन रिजॉल्व करेगा? सरदार तो आप खुद आ जाते हो, गवर्नर आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, पार्लियामेंट आपकी, सेनेट में आप, कौमी असेंबली में आप, फिर हम क्या करें? हमने मिन्नतें की हैं इस्लामाबाद को कि बलूचिस्तान में दो आज़ादाना इलेक्शन करने दो। देखिए, एक ये है कि यहाँ फ्यूडरलिज्म और हमारा जो सरदार है और इस्लामाबाद है, बेसिकली हमने उस फॉर्मेट को कंटिन्यू किया पूरे पाकिस्तान में, मगर स्पेशली इन एरियाज में जहाँ ज़्यादा बैकवर्ड थी, ट्राइबलिज्म थी, जो अंग्रेज़ ने अडॉप्ट किया हुआ था, कि बजाय कि लोगों को एम्पावर करो, आम आदमी को एम्पावर करो, एम्पावर द सरदार्स एंड मीर्स एंड बला बला, और इससे रूल द एरिया, उसी को अडॉप्ट करके चला रहे हैं। अब भी हम उसी लाइंस पे चल रहे हैं बलूचिस्तान। मसलन आर्टिकल 38 है, वहाँ पे अवाम की मुआशी और माशरती फलाह बहबूद का फरोग, एक पूरा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है तमाम शहरियों के लिए मुल्क में दस्तयाब वसाइल के अंदर माकूल आराम व फुर्सत के साथ काम और मुनासब रोजी की सहूलतें मुहैया की जाए। मैंने नहीं देखा कोई जद्दोजहद की गई, तो क्या मैं इस आर्टिकल को एक ऐसा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझूँ जो इसका पार्ट नहीं है? देखिए, जब हम अपने आप को हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो हम बार बार बोलते हैं कि जी उसकी इतनी अच्छी जमहूरियत है, हमारी नहीं। देखिए, हिंदुस्तान में एक बुनियादी काम हुआ, जो इंडियन लीडरशिप थी अंडर द लीडरशिप ऑफ द नेहरू, उसने पहले दिन एक बुनियादी काम किया जो हमने नहीं किया, वो था बड़ी जागीरदारियों का खत्म करना। 1973 के आईन के बनाने वालों ने, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसकी पार्टी ने, जागीरदारी के खात्मे के लिए जो काम किया उस पर भी अमल दरामद ना हो सका। और बड़ी हैरानगी की बात है बिज़ेंजो साहब, जब PNA की तहरीक उसकी मौत का मुतालबा कर रही थी और असेंबली मीट कर रही थी, असेंबली ने एक दफ़ा फिर ज़रिए इस्लाहात का बिल पास किया, और उस पर अमल दरामद कराना तो आपका काम था ना, जो बाद में आप कौमी असेंबली का रुकन बने, सेनेटर बने, आपका कोई काम नहीं था? बुनियादी, देखिए बुनियादी बात यह है कि वो काम जो हमें करना था वो हम नहीं कर पाए और आज भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्या दबाव है? कह दो फौज जिम्मेदार है। हाँ, वो भी फौज ने कहा कि जो कानून पास किया गया इस पर अमल मत करो। देखिए, मैं मेरे पास में, देखिए आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इस मुल्क में अभी तक पॉलिटिक्स में फ्यूडल का बहुत बड़ा रोल है। उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि हम आज तक असेंबली में जरी टैक्स लगाने में कामयाब नहीं हुए। चले, अच्छा मैं जैसा हुआ, मैं आपकी तवज्जो फिर वापस चाहूँगा आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये लिखा गया और कहा गया और वादा किया गया पाकिस्तान के आवाम से, उन तमाम शहरियों के लिए जो कमज़ोरी, बीमारी या बेरोज़गारी के बायस मुस्तकिल या आर्जी तौर पर अपनी रोज़ी न कमा सकते हों, बिला लिहाज जिन्स, ज़ात, मज़हब या नस्ल, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मसलन खुराक, लिबास, रिहाइश, तालीम और तबी इमदाद मुहैया की जाएगी। क्यों नहीं की गई? इसलिए कहा गया कि जनाब इस आर्टिकल के ऊपर अमल तब होगा जब हमारे पास पैसे होंगे। आपके पास बम प्रूफ गाड़ियां लेने के तो पैसे हैं, आपके पास जहाज़ों में उड़ने के लिए तो पैसे हैं हर चीफ मिनिस्टर के पास,
आपका प्राइम मिनिस्टर उन जहाज़ों में उड़ता है जो 1973 का प्राइम मिनिस्टर नहीं उड़ता था, आप बंकर्स में रहते हैं, लेकिन आप आइन के इस आर्टिकल को पूरा करने के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, तो फिर मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? फौज? फौज आपके, मैं समझता हूं कि इसके जिम्मेदार बहुत ज्यादा है, आप भी हैं, मैं भी हूं। देखिए, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हुकूमत का, हुकूमत वक्त का ये जिम्मेदारी है कि हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, हर किसी को इलाज मिलना चाहिए, हर कोई बारिशगर होना चाहिए, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। मसलन मैं बहुत सुनता हूँ आप लोगों की मीडिया वालों से जो कैमरा लेके एक एक स्कूल दिखाते हैं, एक एक अस्पताल दिखाते हैं, देखो ये कहाँ गए, पॉलिटिशियन कहाँ गए, मगर कभी भी किसी एंकर से लेके, मीडिया पर्सन से लेके, इवन पॉलिटिशियन तक ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान का एजुकेशन बजट कितने का है। कहा, हम कहते हैं बहुत कम है, और आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे फौज के बजट से? नहीं 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 नहीं, मैं एक, अगर करना भी चाहेंगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी है ना, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है ना। मेरी बात सुनो, हम इसको फौज से खाली कंपेयर नहीं करते, आप इसको कंपेयर करें अपनी डेट सर्विसिंग, सारा पैसा तो आप कर दो। डेट सर्विसेज कौन जिम्मेदार, कौन है? मैं हूं, आप है, कौन है? हुक्मरान है जिम्मेदार, तमाम स्टेक होल्डर्स। सर, डेट सर्विसेज के तो हुक्मरान जिम्मेदार है। एक है, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहना चाहता हूं। हुक्मरान कौन? मेरा सवाल बड़ा सिंपल है सर, मेरा सवाल है कि जहां आपकी प्रिविलेजेस, आप मुझे बताएं कि आधी सदी तक इस मुल्क में इस किताब के बगैर हुक्मरानी होती रही है, आधी उसकी जिम्मेदारी कौन है? इस किताब के साथ आपने हुक्मरानी की है, चलें इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। नहीं, इस तरह नहीं, आधी इसके बगैर हुई है, मान लिया। जो आधी है उसमें आधी आधी है, मैंने उसमें भी आधी आधी है, पूरी नहीं है। मान लिया, मैंने आपका ये फलसफा भी मान लिया, चलें ये आपकी कमजोरी का सबूत है कि आप अपनी पार्टियों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। अगर आपकी पार्टियां 8,000 यूनियन काउंसिल्स में ऑर्गेनाइज होती सारी की सारी, तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, तो किसी ताकत की ये जरूरत ना हो सकती कि वो आपसे इख्तियार छीन ले। हर 10 साल बाद ताला आजमा आता है और मेरी पार्टी की ताया पांच चक्कर के चला जाता है। सर, मैंने मान लिया, मैं तो बहस में उलझाने का अपने आप को तैयार ही नहीं हूँ। आधा उन्होंने किया, आधा आपने किया। मेरा सवाल तो ये है कि आज जब आप 10 साल से कंटिन्यू चल रहे हैं, ये आर्टिकल, या तो आप कह रहे हैं कि जी ये आर्टिकल हमारे पास पैसे पूसे कोई नहीं है, बिल्कुल साहब ये आर्टिकल मत पढ़ा करें, हमें दुखी मत किया करें, आर्टिकल इस पर सिर्फ यही है, हमारा इस्तेकाक ये है, प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखना है या नहीं लिखना सदर के खिलाफ, सदर के खिलाफ अगर प्राइम मिनिस्टर खत नहीं लिखेगा तो क्या नुकसान होगा, इन डिबेट में चले। मैं आपको ब्लंटली ये कहूँगा कि जिस तरह हमारा ये सिस्टम जा रहा है, 70 साल चल चुका है, इस सिस्टम को इसी रविश के साथ आप अगले 70 साल तक भी ले जाएं, आपको कुछ नहीं मिलना। तो फिर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। तो मैं इफ्तिखार भाई, मैं आपको बलोचिस्तान की मिसाल देता हूं। आज भी सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि हर बलोचिस्तान का बच्चा बच्ची उस वक्त स्कूल में होगा जब मुझे 25,000 नए प्राइमरी स्कूल मिलेंगे, जो बलूचिस्तान के 10 साल के बजट को आप लगा लें तभी पूरा नहीं होगा। अब मैं ये सवाल आपसे करता हूँ, आपने मुझे खुद मौका दे दिया सवाल की तरफ आने। 1970 से लेके आज तक बलूचिस्तान में हुक्मरान कौन है? यहाँ के लोग, आप लोग हैं ना? सरदार, मेजोरिटी सरदार वहाँ पे इख्तियार में, बिल्कुल सरदार। पैसा आपको मिला, कुछ थोड़ा मिला, कुछ ज्यादा मिला, इस पर एक डिबेट हो सकती है, लेकिन जो लास्ट 2 NFC अवार्ड आए, एक मुशरफ के दौर में और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, और उसकी कंटिन्यूशन जो है, क्या आपके पास इतना पैसा नहीं आया था कि आप जाफराबाद, जिसकी आबादी इकाई 2,500,000 10,000,000 5 लाख आबादी है, उसमें अच्छे स्कूल बना के दे सकते? क्या आपके पास इतना पैसा नहीं आया था कि आप कलाक, जिसकी आबादी 4,12,000 है, वहाँ पर स्कूल दे सकते? क्या आपके पास इतना पैसा नहीं आया था कि आप किला अब्दुल्ला में, जिसकी आबादी 3,42,000 है, वहाँ पर स्कूल दे सकते? मुझे तो आपकी नीयत नहीं लगती। मैं आपकी नहीं, 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 नहीं है। मैं आपको सपोर्ट करता हूं, मैं कहता हूं कि हमारा जो सरदार फ्यूडल और इस्लामाबाद,
इनकी जो यूनिटी है दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान। तो कौन रिजॉल्व करेगा? सरदार तो आप खुद आ जाते हो, गवर्नर आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, पार्लियामेंट आपकी, सेनेट में आप, कौमी असेंबली में आप, फिर हम क्या करें? हमने मिन्नतें की हैं इस्लामाबाद को कि बलूचिस्तान में दो आज़ादाना इलेक्शन करने दो, सरदारों को छोड़ो खुद इलेक्शन करें, आप उनके लिए इलेक्शन ना करें तो देखें सूरत बदल जाएगी। क्या होगा कि क्या तब्दीली आएगी? तब्दीली बिल्कुल आएगी। क्या तब्दीली, मुझे बताने क्या तब्दीली? देखिए एक ही है कि यहाँ फ्यूडरलिज्म और हमारा जो सरदार है और इस्लामाबाद है, बेसिकली हमने उस फॉर्मेट को कंटिन्यू किया पूरे पाकिस्तान में, मगर स्पेशली इन एरियाज में जहाँ ज़्यादा बैकवर्ड थी, ट्राइबलिज्म थी, जो अंग्रेज़ ने अडॉप्ट किया हुआ था कि बजाय कि लोगों को एम्पावर करो, आम आदमी को एम्पावर करो, एम्पावर द सरदार्स एंड मीर्स एंड बला बला, और इससे रूल द एरिया, उसी को अडॉप्ट करके चला रहे हैं। अब भी हम उसी लाइन्स पे चल रहे हैं बलूचिस्तान। सर मुझे एक बात बताएं, एक अजीब बात है कि आपकी मखलूत हुकूमतें बलूचिस्तान में चलती हैं, और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी ज्यादती है मखलूत हुकूमत चलाना बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि हर आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाता है, हर MP चीफ मिनिस्टर बना होता है, ये हकीकत है या नहीं? बिल्कुल। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी मखलूत हुकूमत का? और आपने तो कमाल कर दिया, आपने टॉस किया, आपने कहा पहला ये बल्कि नवाज शरीफ वाज द ओपिनियन कि 5 साल ही नेशनल पार्टी को डॉक्टर मालिक को दिया जाए, उसमें थोड़ी सी शहबाज शरीफ, चौधरी निसार साहब और जफर झगड़ा ने इस बात को गड़बड़ की, बोला नवाज शरीफ वाज कन्फर्म के 5 साल तक। कभी ऐसा भी हुआ जैसा आपने किया? एक दफ़ा पहले हमने किया था जब हमने नहीं टॉस में किया था, तब भी अकबर भुट्टी और सरदार तावला के दरमियान नहीं हुआ था, तब भी टॉस में किया था। वो टॉस में नहीं हुआ था, वो बुनियाद वहीं से पड़ी थी। सर क्या जमहूरियत हम चला रहे हैं, कितनी कौमियतें वहाँ बसती हैं, मखलूत हुकूमत आपसे चल नहीं पा रही, पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं, हर MP वज़ीर आला है और फिर आप कहते हैं स्कूल नहीं है। सर ये होता रहेगा तो सर इसका हल तो बताए ना, क्या इसका? नहीं इसका मैंने आपको कहा कि मैं जब तक आप बलूचिस्तान में 2-3 इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं होने देंगे, जिस दफ़ा इस दफ़ा आपने इलेक्शन कराए, अगर इस तरह आप इलेक्शन कराते रहेंगे तो यही सिचुएशन रहेगी, यही मखलूत रहेगी। आपका इंडिपेंडेंस से मुराद क्या है? इफ्तिखार भाई आप एक चीज़ और नोट कर लें जी, एक और नोट कर लें, मुशर्रफ आया, बेनजीर की नवाज शरीफ की हुकूमतों को छोड़ दो, मुशर्रफ से आज तक वही लोग हुकूमत में हैं जो जरदारी के साथ भी हुकूमत में थे, नवाज शरीफ के साथ हुकूमत में थे, परवेज मुशर्रफ के साथ हुकूमत में थे, अब हुकूमत में। अब जो NFC का अवार्ड लास्ट फार्मूला है उसमें 5% से बढ़ के 9% कर दिया गया। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास सलाहियत ही नहीं थी, आपकी इंतज़ामिया के पास इतने ज़्यादा पैसों को सही तौर पे इस्तेमाल करने की, तो क्या मैं गलती पढ़ूँगा? मेरा जवाब फिर वही होगा, जब तक आप बलूचिस्तान में कंट्रोल डेमोक्रेसी रहेंगे यही होता रहेगा। सर हमने तो आपको बेरोजगारी पर भी दिया पैसा, आपको गुर्बत का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी सामने रख के दिया, कुछ भी नहीं दिया हमने बिल्कुल। अब ये 9% कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। कितना चाहिए आपको? सर आप पर आपका फार्मूला क्या होना चाहिए? मुझे आप तो, मुझे अपना फार्मूला बताएं, आप किस फार्मूले के तहत? मुझे तो आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। छोड़ दिया? मेरे पास इतने जराए हैं मैं पाकिस्तान को खिला सकता हूँ। तो बाबा छोड़ तो दिए ना, तो आप कर क्यों नहीं रहे? गले से पकड़ते हो, कभी इसको लाते हो, कभी बाप बनाते हो, कभी चचा बनाते हो, कभी मामू बनाते हो। बाप बाहर से है? हाँ। बाप बलोची नहीं है? नहीं। पठान पख्तून नहीं है? नहीं। ब्रोही नहीं है? नहीं। पंजाबी नहीं है? पिंडी का। कौन है? पिंडी का है। अच्छा पिंडी में रहता था? ये सारे बाप वाले पिंडी में रहते थे? इन सबके डोमिसाइल पिंडी का? यहाँ से का खौफ करें, पिंडी से चला गया बाप? पिंडी से बाप चल नहीं चला गया, सब वहाँ के बलोची हैं। वो होंगे बलोची, वो होंगे, आप नहीं। मगर ये कि बाप यहाँ से गया। आपके पास बहुत वसाइल हैं, आपको अपने वसाइल इस्तेमाल करने कोई नहीं देता। मैं कहता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद, NFC वार्ड में पैसे देने के बाद, आपकी इंतज़ामिया इस काबिल नहीं है कि उनको फैसला कर सकती। आप कहते हैं आपको मिनरल्स बहुत हैं, आपको किस तरह रोका कि मिनरल्स को आप ना निकालें? कोयला निकलता है वहाँ से? बिल्कुल निकलता है। प्राइवेट लोग निकालते हैं, सही बेचते हैं, अरबपति हो गए। बिल्कुल।
संगमरमर की बेहतरीन कान वहाँ पे थी, जहरी अरबपति हो गए, सही, खुद लोग निकाल रहे थे। तो जब ये निकाल सकते हैं तो दूसरे जो मिनरल्स हैं वो क्यों नहीं निकाल सकते? देखिए, इस वक्त मिनरल्स में आप जाएंगे, आपके पास रेकोडिक, सेंदक, जो दुनिया का तीसरा बड़ा कॉपर का डिपॉजिट, और एक सर्वे के मुताबिक कि इसी जगह पे दो डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के, जिसमें खारान और चागे, अगर इसके कॉपर को इकट्ठा किया जाए, मे भी ये दुनिया का सबसे बड़ा डिपॉजिट है। इस पे तो कोई बहस नहीं। दूसरी बात, आपने जो पूछी, आई एग्री विद यू कि जो सेंदक के साथ किया, जो रेकोडिक के साथ किया, वो किसी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं की, वो हमारी सूबाई असेंबली, सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी थी कि हम लोगों ने 500 से 1000 पेज का जो एग्रीमेंट था, तीन इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से हमारे डायरेक्टर लेवल लोगों ने उसको साइन किया, ये हमारी बदकिस्मती थी और इसको मैं मानता हूँ।